और बता दें कि राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एमिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर पीयूष कांत पांडे ने पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए बूट कैंप के तीसरे चरण के शुभारंभ की घोषणा की। वहीं ये बूट कैंप 9 चयनित शहरों में आयोजित की जाएगी। बता दें कि जिससे छात्रों और शिक्षा सदस्यों में इनोवेशन और उद्यमिता की भावना को जगाया जा सकेगा। बता दें कि साथ ही कुलपति ने सरकार द्वारा दिए गए बच्चों के नामों को आर्थिक सहायता देने की बात भी कही। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में इनोवेशन सेल जो है उसके और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE और MET यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ रायपुर एक बहुत ही बड़ा आयोजन करने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन का नाम है IDE बूट कैंप। IDE बूट कैंप जो है इनोवेशन डिजाइन एंड उद्यमिता बूट कैंप 2024 का आयोजन हमारे होने जा रहा है। ये बूट कैंप 29 अप्रैल 2024 से 3 मई 2024 तक चलेगा और MET यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ जो है ये भारत के 9 चयनित स्थलों में से सिर्फ 9 चयनित स्थलों में से एक है। इन 9 चयनित स्थलों में बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें एक यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में MET यूनिवर्सिटी को लिया गया है। तो ये MET यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के लिए और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि इतना महत्वपूर्ण आयोजन हमारे यहाँ होने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में करीब 225 प्रतिभागी भाग लेंगे। ये वो प्रतिभागी हैं जो स्मार्ट इंडिया हैकेथन के द्वारा चयनित हैं, जिन्हें ऑलरेडी एक बहुत ही कड़ी प्रक्रिया के द्वारा चुना गया है, जिन्हें 1 लाख रुपए की प्राइस जिस समय जीते थे उस समय भी दी गई थी। ऐसे बच्चों को इन्वाइट किया जा रहा है कि वो हमारे यहाँ आएंगे और अपने अपने आइडिया को अब बिजनेस मॉडल के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, इसके लिए रिक्वायर्ड ट्रेनिंग और जो उनका एक्सपोजर है वो हमारे द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और AICTE के सहयोग से दी जाएगी। भारत सरकार के